पतले हो, लोग आपको एड्रेस करते हैं पतलून, सुकड़ी हड्डी, चुस्की। यार अगर आपको वेट गेनिंग करनी है, एक्चुअली मैं बोलूंगा अगर आपको मास गेनिंग करनी है, मसल गेनिंग करनी है, क्योंकि यार मैं ना उस चीज में बिलीव नहीं करता, अनस्ट्रक्चर्ड सी जो आपकी बॉडी हो जाती है, लूज फैट आ जाता है, सारे लड़के और लड़कियों के लिए ये वीडियो है। अगर आपको मसल गेनिंग करनी है ना यार, ये बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। बट ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा भाई था साइंस स्टूडेंट, थोड़ी साइंटिफिक बातें कर लेते। आपका जो पेट और इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आपका प्रोटीन को ब्रेक करते हैं पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। ये आपके लिवर में जाते हैं, उससे आपके ब्लड स्ट्रीम से मसल्स तक पहुंचते हैं। मसल्स क्या है? बंडल ऑफ प्रोटीन फाइबर। जब आप वर्कआउट करते हो ना, ये जो मसल फाइबर है ना, ये टूटता है, मतलब माइक्रो टियरिंग आती है इसके अंदर, मतलब थोड़ा 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 फटता है। अब इस केस में ये क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं उसको स्ट्रॉन्गर और हेल्दी फाइबर। इसी वजह से साइज बढ़ता है और आपकी मसल ज्यादा बढ़ती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप प्रोटीन ही नहीं लेते, क्योंकि इंडियन डाइट प्रोटीन ना के बराबर है, अगर आप प्रोटीन नहीं लेते तो कितना भी दंड पेल लो, कौन सी बॉडी बन जाएगी, कैसे गेन कर पाओगे? और इसीलिए लोग लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट, जिसको तुम डब्बे बोलते हो। और ये वीडियो ना प्लीज शेयर करो, सभी को शेयर करो, क्योंकि मैं उन्हीं सभी से, स्पेसिफिकली पेरेंट्स से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी आर्टिफिशियल चीज है, कौन सा स्टेरॉइड बॉडी के अंदर जा रहा है जिससे आप सभी लोग इतना ज्यादा डर रहे हो। और इस वे में यार हमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार हमें पॉकेट मनी मिलती है ऑन एन एवरेज 3000। एक प्रोटीन का डब्बा 5000 से तो भाई शुरू होता है, जो अच्छे प्रोटीन के डब्बे होते हैं। यार तो एक मेरे को बात बताओ, कहां से बन जाएगी फिर बॉडी, कहां से हम गेन कर पाएंगे? तो प्लीज यार ये पेरेंट्स को तो ये वीडियो जरूर दिखाना। अब बात करते हैं हम, अगर आपके पेरेंट्स अभी भी नहीं माने, तो यार जैसे मेरा साथ सेम थिंग था, मेरे भी इवन पेरेंट्स ने इनिशियली कॉलेज वाले टाइम में सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने लिया बनाना जिसके अंदर कार्ब्स मिलेंगे, मिल्क, और उसके साथ लिए 2 चम्मच पीनट बटर, इसके अंदर मैंने फ्लैक्स सीड्स 2 चम्मच ऐड करे जिससे मेरे को मिलेगा प्रोटीन, और इसके साथ वॉलनट और आलमंड्स को बिल्कुल चूर चूर करके मैंने इस चीज के अंदर ऐड करा। और अगर आप चाहते हो मैं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट रिव्यू करूं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। सेकेंडली, वे प्रोटीन कैसे बनता है यार, किस तरह से बनता है, और ये फैक्ट्री में क्यों बनता है, ऐसे काफी सारे मिथ है जो मैंने ब्रेक कर रखे हैं। ये मेरी प्रोफाइल है ना, यहाँ पे ये ब्लू लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करो। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है वे प्रोटीन के लिए। यार मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे को नहीं मिल पाया वो प्रोटीन का डब्बा इनिशियल अपने कॉलेज दिनों में, बट अगर आपको मिल जाए मेरी एक वीडियो से, अगर एक भी बच्चे के काइंड ऑफ पेरेंट कन्विंस हो गए ना, ये मेरी वीडियो सक्सेसफुल है। तो यार मैं बस यही एक्सपेक्ट करता हूँ, बाकी नीचे कमेंट करके कोई और प्रॉब्लम हो बता देना। बाकी यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालू ना, आप तक वीडियो पहुंच जाए। बस।